संसार एक आईना है, जीवन के हर पल हर पहलू ये हमें दर्शाता है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप उसे किस नज़र से देखते हैं। जैसा आप देखेंगे और जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपको दिखेगा। संसार के इस रहस्य पर ही आधारित आज की हमारी कहानी है, जो आपके जीवन के उस पहलू को दिखाएगा जिससे आप अनजान हो, जिसे आप समझ नहीं सकते परंतु है। एक कुत्ता था, वह इधर उधर भटकता हुआ एक दिन एक कांच के महल में पहुंच जाता है, जिसमें बहुत सारे कांच के आईने लगे हुए थे। कुत्ता इधर उधर देखता है, छटपटाता है, और जब वो देखता है तो दिखता है कि उसके जैसे सामने बहुत सारे कुत्ते हैं। वह देख के बड़ा आश्चर्य उससे होता है और उसे लगता है कि इतने सारे कुत्ते। वो भौंकता है, जैसे ही एक बार भौंकता है सामने से उसे अपनी ही आवाज़ का प्रतिबिंब और अपने चेहरा दिखाई देता है चारों ओर। उसे लगता है कि इतने सारे कुत्ते हैं सामने, और उसकी आवाज़ की का जो वाइब्रेट होता है वो भी उसे अनोखा लगता है। वो और ज़ोर से भौंकता है और उसे मालूम होता है मानो सामने बहुत सारे कुत्ते सभी एक साथ भौंक रहे हैं और चारों ओर उसे अपनी जैसे ही कुत्ते दिखा देते हैं। वह छटपटाता है, इधर उधर हाथ पैर मारने लगता है, और जितनी बार वो कांच से टकराता है उतनी बार उसे महसूस होता है कि सामने वाले कुत्ता भी उस पर धावा बोलने वाला है। यह सबसे वो परेशान हो चुका था, और अंत में ऐसा होता है कि वो खुद ही अपने आप से उलझता उलझता उस कांच के दीवारों से टकराता टकराता वहीं ढेर हो जाता है और वहीं उसका अंत हो जाता है। उसे वो एहसास ही नहीं हो पाता कि सामने जो उसे दिखाई दे रहा वो खुद ही है, उसी का प्रतिबिंब है। वो समझ ही नहीं पाता है, और अपनी जीतोर कोशिशों के बाद भी अपने ही मुंह के बल गिर के वो वहीं पे मर जाता है। ठीक उसी जगह पर एक दिन एक और कुत्ता आता है। वह चारों ओर देखता है, उसे अपने साथ अपने ही जैसा सब कुछ दिखता है। वह हंसता है तो सामने वाले भी उसे हंसता हुआ दिखाई देता है। वह बार बार इधर उधर जाता है और उसे महसूस होता है सारे कुत्ते इधर उधर घूम रहे हैं। वह कांच में जा जा के सबको निहारता है और उसे अपने जैसा शांत सब दिखाई देते हैं। वह इसी तरह इधर उधर कांच में चारों ओर घूमता मचलता इधर से इधर जाता है, अपनी दुम हिलाता रहता है और बहुत खुश होता है, और उसे मानो महसूस होता है कि सारे कुत्ते उसकी तरह खुश हैं और अपनी दुम हिला रहे हैं। उसे बड़ा अच्छा लगता है। वो वहीं उसी कांच के महल में जाकर एकदम शांति से बैठ जाता है और उसे महसूस होता है कि सारे कुत्ते आमने सामने बैठे हुए हैं। यह सब देखकर उसे इतना आनंद होता है कि मानो उसकी सारी दुनिया उसमें सिमट गई हो। और बाद में वह इधर उधर दुम हिलाता हिलाता उस कांच के महल से बाहर चला जाता है, और वो आराम से बहुत ही खुश होकर इधर से उधर चलता जाता है, और उसे बड़ा ही आनंद आया उस महल में जाकर। तो दोस्तों, ठीक ऐसा ही हमारा जीवन है। हम जितना खुश रहेंगे, जैसे रहेंगे, हमें सामने वाले वैसा ही दिखाई देंगे। हम उदास रहेंगे तो सामने वाले उदास रहेंगे, हम खुश रहेंगे तो सामने वाले खुश रहेंगे। यही तो हमारा जीवन है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, सामने वाला हमें वैसा ही दिखाई देता है, जिस तरह इन दोनों कुत्तों में थे। तो दोनों कुत्ते ही, और दोनों ने ही वही देखा जो वो वैसे थे। दोनों ने देखा कि हमारे सामने वैसा ही सब कुछ चल रहा है, वैसे ही कुत्ते खड़े हैं, वैसे ही भौंक रहे हैं, सब कुछ वैसे ही, बस फ़र्क है तो दोनों की सोच का। एक जो है सामने देख के खुश होता है और दुम हिलाता हुआ बड़ा आनंद महसूस करता है, जबकि दूसरा
वहीं देखकर उस पर भौंकता है, उतावला होता है और अपनी ही बल अपनी ही मुँह की खाकर गिर जाता है। तो यही हमारे जीवन में भी होता है, हम जैसा सोचते हैं, जैसा समझते हैं और जैसा विचार करते हैं, हमें सामने वाला वैसा ही दिखता है। और यही तो है हकीकत, दुनिया का असली सच यही है कि हम जैसे हैं, जो हैं, हमें सामने वाला वैसा ही दिखता है। हम जैसे विचार वाले हैं, जैसा हम महसूस करते हैं, वैसा ही सब कुछ हमें नज़र आता है। तुम रोओगे तो रुलाएगी दुनिया, तुम हंसोगे तो हंसाएगी ये दुनिया, तुम खुश रहोगे तो खुश रखेगी ये दुनिया, तुम किसी पे भड़कोगे तो तुम्हें भी भड़काएगी ही ये दुनिया। है तो एक छोटी सी कहानी एक कुत्ते की, लेकिन हम सब के जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं और हमारे विचार, हमारे मन में जो उत्पन्न सवाल होते हैं ऐसे ही होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही कहानियों के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में।